वहीं हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों और 3 निर्दलियों ने शनिवार को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। इन बागी विधायकों ने सुजानपुर से राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सल से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहर से देवेंद्र कुमार भुट्टो और गगरेट से चैतन्य शर्मा और निर्दलियों में दोरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। बीजेपी ने इन सभी को उपचुनाव में टिकट देने का भरोसा दिया है। बताया जा रहा है कि बागी विधायक अब सुप्रीम कोर्ट में अपनी सदस्यता बचाने को दी गई याचिका भी वापस लेंगे। के लिए हमको लोगों ने चुन करके भेजा है, अगर वही नहीं कर पाएंगे तो विधायक बन के किसी पद को लेने का कोई औचित्य नहीं है। तो उसको देखते हुए हमने निर्णय लिया। राज्यसभा का चुनाव हुआ, उसमें हमने हमारे ही प्रदेश से संबंधित हर्ष महाजन जी को मतदान दिया। मतदान दिखा करके हुआ, किसी से चोरी छुपे नहीं दिया। हमें पता था कि परिस्थितियाँ क्या बनेंगी। आज स्वेच्छा से सभी लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे। जो भी दायित्व दिया जाएगा उसको पूर्ण रूप से निभाएंगे। देखिए, मैंने अभी भी कहा है, मैंने पहले भी कहा है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी, प्रदेश की जनता के साथ कुछ वायदे हुए, कुछ गारंटियां दी गई, ना तो गारंटियां पूरी हो रही हैं। लोग हमें पूछते हैं कि आपकी पार्टी ने ऐसे ऐसे वायदे किए हैं, वो वायदों का क्या हो रहा है? नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जिनको जिन्होंने पेपर दे रखे हैं उनकी भी नौकरियां होल्ड कर ली हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो तानाशाह बन गए थे और हमेशा जलील करते थे, विधायकों के चुने विधायकों की सुनाई नहीं होती थी। वहां सरकार जो चल रही है विधायकों के माध्यम से नहीं चल रही है। वहां पर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो मुख्यमंत्री हैं उनके मित्रों की सरकार बन के रह गई है। इसलिए हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है वो वेंटिलेटर पे है और आज पूरे देश में कांग्रेस में जो है पूरी तरह पॉलिटिकल डिजास्टर हो चुका है और 2024 का जो चुनाव होने जा रहा है इसमें पूरी तरह जो है देश में सफाया होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश में परचम लहरा रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश आगे बढ़ रहा है और हम भी इस अपने हिमाचल क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में हमारा जो प्रदेश है वो डेवलपमेंट के मामले में आगे बढ़े मोदी जी के नेतृत्व में। उस करके हमने आज कांग्रेस पार्टी छोड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और किसी पद के लिए हमने ज्वाइन नहीं किया। हम कार्यकर्ता के रूप में काम करेंगे।